तो गाइस आज हम आदि को, आज डे वन है, आज आदि को हम हिंदी सिखा रहे हैं। आज आदि हिंदी लिखना सीख रहा है। तो सबसे पहले आदि को मैंने इंग्लिश सिखाया था, अल्फ़ाबेट्स ABCD डॉट बना के, फिर 1 2 3 10 तक, और अब आदि हिंदी सीख रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने बच्चों को हिंदी सिखाएं तो हमेशा ऊ से स्टार्ट करवाएं। छोटा उल्लू का होता है ना वो, क्योंकि क्या होता है, अपन 1 2 3 में 3 सिखाते हैं तो बच्चों का हाथ पहले 3 में सेट रहता है। तो छोटा उल्लू का, बड़ा ऊंट का, फिर बड़ा छोटा बड़ा, और फिर ई सिखाना चाहिए। तो मैं भी आदि को वैसे ही सिखा रही हूँ, डॉट बना बना के। अभी आदि को छोटा ऊ बनाया आदि ने, और अब आदि बड़ा ऊ बना रहा है। मैं आपको बताती हूँ, बताओ डॉट बना दूँ आदि में? पहले मैं ये बना आधी लॉलीपॉप भी खा रहा है। आधी क्या है आपकी लॉलीपॉप? ये आधी लॉलीपॉप खाते खाते पढ़ाई कर रहा है। हाँ, मैं आपको बताती हूँ। पहले आपको पूरे करने थे। ऐसे इस तरीके से टू टू डॉट्स रखने हैं। बताओ बता, ना, बड़ा ऊंट का बनाना है बेटा आपको। बड़ा होता हाँ, अब जैसे कि अब 3 बनाना आता आदि को, तो आदि ये बना लेगा। बनाओ ऊ बनाना ना, ऐसा ऐसा ऐसा। एक आप बना के बता दीजिए बच्चों को इस तरीके से, ऐसा ऐसा बनाना। ठीक है, बनाओ आदि। हाँ ऐसा, और उसको हाँ ऐसा कर दो, घुमा के आदि। हाँ ऐसा, वेरी गुड। दवाई नहीं थी, ये लॉलीपॉप थी। आप लॉलीपॉप थी, इसमें दवाई नहीं थी। ये लॉलीपॉप है, मैंने बोल दिया था आदि को इसमें बुखार की दवाई है, फीवर की, आदि मत खाओ। तो आदि मुझसे बोल रहा है, मैं झूठ बोल रही थी। चलो आदि बनाओ। हाँ बनाओ। अच्छे से बनाओ आदि, आदि का खाने में ध्यान है अब। पहले आदि ने बहुत अच्छे बनाए, सारे उसी ने बनाए हैं, अब आदि का खाने में ध्यान है। देखिए बनाओ आदि। हाँ ऐसा ऐसा, हाँ थोड़ा सा घुमा के, हाँ ऐसा, और बनाओ।